कश्मीर का इशू एक मिनट के लिए मानते हैं, सबसे पहले नो डाउट 76 साल से कश्मीर का इशू बंद। इस तरह का बेमानी ट्रिप लगाने से अच्छा था कि कौम के पैसे बचा लिए जाते। उसमें कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में वो हो रहा है, इनफैक्ट इतना मसला नहीं है लेकिन सबसे। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में SCO 2023 समिट होने जा रहा है, जिसमें कि टोटल 8 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक मेंबर पाकिस्तान भी है। क्योंकि ये समिट इस बार इंडिया में होस्ट हो रहा है तो इसमें पाकिस्तान को भी बुलाया गया है, जिस कारण से पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो इंडिया आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को इंडिया में आना पाकिस्तान के लोगों को ही हजम नहीं हो रहा है, जहां पे एक तरफ मीडिया यूट्यूबर्स इस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वहां की ज़्यादातर जनता इसके विरोध में लगी हुई है। इन चीज़ों का इम्पैक्ट गवर्नमेंट पर पड़ ही रहा था कि तब तक में इंडिया में एक आतंकी हमला हुआ, जिसके कारण इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो के साथ बायलैटरल मीटिंग करने से मना कर दिया है। सो जहां पाकिस्तान की जनता इस इनवाइट से ऑलरेडी भड़की हुई थी, इस न्यूज के आने के बाद वो और भड़क गई है। तो आइए आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की जनता इस बारे में क्या सोच रही है। मौलाना A.M. कासमी जो कि इंडियन मौलाना है, सुन्नी है, और उनका कहना है कि ईद पर एक बहुत बड़ी तादाद में नमाज पढ़ी गई, उन्होंने पिक्चर्स भी शेयर किया और बहुत सी एक ऐसी स्टेटमेंट दी है शायद पाकिस्तान के अंदर दिल दहला दे। तो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स स्पेशली लड़कियां क्या इस पर अपनी राय रखती हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे उनकी राय लेते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो सिद्रा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाओ? मैं भी बिल्कुल ठीक। हानिया कैसी? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। हाँ अच्छा सिद्रा, एक वीडियो है, बहुत ही कमाल की वीडियो है और इस पर मुझे लगता है कि राय लेना सबका बनता है। तो ये एक वीडियो जो कि आपको दिखाने लगी, इस पर आप अपनी राय दीजिएगा मुझे, इसको सुने। 39 मस्जिदों के अलावा 3,865 ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई। सोचिए जरा कि कितना बड़ा मजमा मुसलमानों का एक साथ ईद के दिन जमा होता है। शहरों में तो चलो मस्जिदें बहुत करीब होती हैं, लेकिन गांव देहातों में तो ईदगाह तकरीबन 4-5-10 किलोमीटर का फासला होता है। क्या लगता है इस पर आपको? इस पे सुन के ये लगा है कि अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो वहाँ पर कहते हैं कि मजहबी तासुब बहुत ज़्यादा नज़र आता है हम लोगों को। इनफैक्ट वहाँ आबादी की बात की जाए तो हिंदुओं से ज़्यादा वहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं। इसके बावजूद कहते हैं कि उनको श्योरिटी नहीं है किसी चीज़ की। ऐसा नहीं है, हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिम्स नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के मुस्लिम से ज़्यादा मुस्लिम। एक्जैक्टली, वो भी मैं कह रही थी, सॉरी, कि पाकिस्तान में जितने वक्त मुस्लिम एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पर इतने ही इससे ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर हम नहीं समझते कि वहाँ पर उन पर कोई जुल्म होता है। रिसेंटली रमज़ान में आप देखें कि रमज़ान में कितना अच्छा डिस्काउंट पैकेज दिया गया है तमाम के तमाम मुस्लिम्स को, ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में भी अगर बात की जाए तो। तो हमारी जो ज़हनियत है ना, ये हमारी क्रिएट की ज़हनियत नहीं है, ये यहाँ पे बचपन में जो हमें सिखाया गया है ना, यहाँ पे बिठा कर के भाई किताबों में लिख दिया गया है हिंदू और मुस्लिम आपस में दोस्त नहीं बन सकते हैं, मजहबी ताज़ुब बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल ताज़ुब बहुत ज़्यादा है, तो आप उनको एक दुश्मन की निगाह से देखें। हालांकि नहीं कहना चाहिए ऐसा, किताबें चेंज होनी चाहिए एंड स्पेशली हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए, उनको ये कहना चाहिए कि नहीं, आने वाली नस्लें इस दौर से ना गुजरें जिससे ये नस्ल गुजर रही है। लेकिन हम क्या कह सकते हैं, हम वो कहते हैं लकीर के फ़कीर होते हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है सही है, जो चल रहा है चल रहा है, तो लेकिन नहीं, अब हम अवेयर हुए हैं। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, इंस्टा पे हमें फॉलो करते हैं, हमें बताते हैं कि भाई हम इंडिया में बहुत सिक्योर हैं। हम इंडिया की क्यों बात करें, हम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात कर लेते हैं, वहाँ पर भी लोग यही कहते हैं। CEO की मीटिंग में बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनके एक्सपेक्टेड विजिट ऑफ इंडिया के बारे में जो कि 4 मई और 5 मई को एक्सपेक्टेड है। साथ ही साथ अभी रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया SJ की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आती है, जहाँ पर उनकी तरह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है कुछ स्टेटमेंट्स जो है उनकी तरफ से जो बहुत ज़्यादा शेमफुल नज़र आई, जिनमें उनके तरफ से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान टेरर को सपोर्ट और स्पॉन्सर करता है, और साथ ही साथ उनको उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या स्टिल बिलावल भुट्टो जरदारी को अपने विजिट को कंटिन्यू करना चाहिए? और साथ ही साथ अगर हम लोग पाकिस्तान के रिस्पॉन्स की बात करें तो इस पर पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होने वाला है? अगर हम लोग थोड़े बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं तो क्रिकेट की तरफ भी इंडिया की तरफ से कहा गया था कि हम लोग एशिया
आप पाकिस्तान के ग्राउंड पर नहीं खेलेंगे क्योंकि हमें सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। इसके बाद जो है न्यूट्रल ग्राउंड की भी सिचुएशन सामने आई, फिर पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया कि हम बायकॉट करेंगे वर्ल्ड कप का जो कि इंडिया की तरफ से होस्ट किया जाने वाला है। ये सारी सिचुएशन जो है वो काफी सारे सवाल उठा रही है कि पाकिस्तान और इंडिया के आने वाले रिलेशनशिप कैसे होने वाले हैं। तो चल अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? रियाज गुजर। क्या करते हैं? प्राइवेट काम। प्राइवेट काम करते हैं। थोड़ा सा काइंडली थोड़ा ऊंची बोलिएगा ताकि इसमें माइक में आवाज आ सके। मेरा सवाल टॉपिक ये है जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग के लिए। आप यहाँ के जो उनसे डिप्लोमेट हैं अब्दुल बासित साहब, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया बेताब है उनसे मिलने के लिए, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर कह लें या इंडिया चाहता है कि हम पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मिलें बायलैटरल बात करें, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए इनको, अगर ये जाएंगे ये हम पाकिस्तान से गिरफ्तारी करेंगे। ठीक हो गया, यानी बिलावल साहब अगर जाएंगे ये पाकिस्तान से गिरफ्तारी करेंगे, ये पाकिस्तान से गिरफ्तारी करेंगे, इनको किसी सूरत नहीं जाना चाहिए। उसकी रीजन क्या है? देखने वाले कहते हैं रीजन ये है कि जो कश्मीर का इशू है वो हमारे लिए सबसे पहले है। ये मुसलमानों पर कितना जुल्म कर रहे हैं, जुमे की नमाज नहीं पढ़ने देते, ईद की नमाज नहीं पढ़ने देते। ठीक है, नहीं कश्मीर का इशू एक मिनट के लिए मानते हैं, सबसे पहले नो डाउट 70 साल से कश्मीर का इशू बना हुआ है। ठीक है, पहले भी तो आपके लोग जूम पे ही अपनी ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करते हैं, तो ये भी कर लेते हैं अटेंड, क्या फर्क पड़ता है? कौम का पैसा बर्बाद करेंगे, वहां पे पेट्रोल का खर्चा होगा, होटलों का खर्चा होगा, वहां लोग जाएंगे आएंगे। मेरा मकसद एक बैंकरप्ट कंट्री के ऊपर इतना बोझ डालना बेमानी मेरे ख्याल में। इस वक्त अगर देखा जाए तो आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी तो मौजूद नहीं है, उसका पिछले दिनों एक थोड़ा सा खुलासा भी निकला, उसकी एक ऑडियो भी निकली जिसमें हमारे वजीरे खारजा और वजीर जो आपके वजीरे खारजा और वजीरे आजम जो है वो कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। कंफ्यूज इसलिए नजर आ रहे हैं कि दोनों को ये नहीं पता था कि हम लेफ्ट लें यहां से या राइट लें, दोनों कंफ्यूज है वो, क्योंकि पैसे जाना तो वही होता है जहां से पैसे मिले, पैसे इस वक्त दुनिया दे रही है। तो हाँ एक बात है, थोड़ा सा इशारा जो है वो चाइना से आया है, वो जो 58 बिलियन का प्रोजेक्ट है उस पे हमारे वो कहते हैं ना बेगानी शादी में कई अब्दुल्ला दीवाने हो गए हैं, वो इस वजह से कई ब्यूरोक्रेट हैं उनको डॉलर नजर आने शुरू हो गए हैं, उनको पाउंड नजर आने शुरू हो गए हैं, उनकी बेगमात और बच्चों ने शॉपिंग लिस्टें बनाना शुरू कर दी है कि कहीं 58 बिलियन मिलेगा तो भाई वारे नारे हो जाएंगे, क्योंकि पिछली दफा जब उन्होंने कुछ थोड़े डॉलर आपको दिए थे तो आपने बड़े पिज़्ज़े बहुत बनाया, आपके भाई जो डिलीवरी करते थे पिज़्ज़े के अब वो 150 पिज़्ज़ों के मालिक हैं। तो ये चाइना से आपने उनसे किया, तो अब उसमें लग ये रहा है कि आप टर्न अप जो है आप लेंगे चाइना की तरफ, और क्योंकि आपको जो दूसरे आपके फाइनेंसर हैं सऊदी अरेबिया और यूएई वाले भी आजकल चाइना के साथ ही हैं, तो आप जाहिर है उसी आप तो भी वो कहते हैं तेल देखो तेल की धार देखो, आप तो सिर्फ डॉलर के पीछे जाते हैं ना, डॉलर कहां से नजर आएंगे? तो लग रहा है कि आप डॉलर के पीछे जाएंगे, भारत के साथ अगर आप दोस्ती करते हैं। रिसेंटली मैंने एक पर्सन का इंटरव्यू किया, उन्होंने बताया कि मैं खुद आजाद कश्मीर से हूँ लेकिन मैंने श्रीनगर को विजिट किया है, मेरे रियलेटिव्स वहां पर रहते हैं और मैंने जो वहां पर डेवलपमेंट देखी है मैं शर्मिंदा हुआ कि आजाद कश्मीर में क्या है। तो आप खुद सोचें कि जब हम श्रीनगर विजिट करने जाते हैं हम वहाँ पर देखते हैं तो हमें सिर्फ शर्मिंदगी होती है कि दैट हमने क्या किया पाकिस्तान के अंदर, हमें क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। एंड वो बंदा कहते हैं कि वहाँ पर सबसे बड़ा ब्रिज बनाया गया है, वहाँ पर सिनेमाज बनाए गए हैं, इतना कुछ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और आज़ाद कश्मीर वाले बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, हम चार सूबे नहीं कवर कर पा रहे तो हमने आज़ाद कश्मीर को कवर क्या करना है। अभी हम देखें तो हमारे पंजाब का GDP जो कि हमारे बाकी सारे स्टेट से अच्छा है लेकिन आज यहाँ पंजाब के अंदर भी सूरत हाल आपके सामने है। तो सिद्रा मुझे ये बताइएगा आप क्या लगता है कि अगर सूरत हाल ऐसी ही रही क्या इंडियंस का मुकाबला हम कर सकते हैं? लेकिन आज भी हम देखें तो हमारे अंदर जज्बात बहुत है, ये हमारी पाकिस्तानी पब्लिक बोलती है। जज्बात का अचार डालना है यार, जज्बे का अचार डालना है। आप भूखे मर रहे हो ना, आप जंग का नाम लो ना तो सिंपली कहेंगे जज्बा बहुत है। यही जज्बा अगर सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करो ना, IT को आगे लेके जाओ, इकोनॉमी को आगे लेके जाओ, एजुकेशन को आगे लेके जाओ, तो आई कैन बैट ये जज्बा फिर आप कह सकते हो तो कि ठीक है हम पाकिस्तानी हैं, हमारे में जज्बा, हमें एहसास है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है, जंग का क्या करना है। आजकल लोग जंग पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, आजकल लोग इकोनॉमिकली पावर पे बिलीव कर रहे हैं क्योंकि आगे वॉर ही होना है, AI पे जाके होना है। ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मात देनी पड़ेगी, उसके बाद इकोनॉमिकल मात देनी पड़ेगी, हम कुछ भी नहीं ऐसा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जो पाकिस्तान है ना आने वाले दिनों में, पहले तो 7 लाख लोग बाहर गए हैं ना, इस साल 1 करोड़ जाएंगे,
फॉर द बेस्ट क्या लगता है कि इंडियंस जो कि हम बच्चे देखते हैं न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च करते हैं बच्चे इसरो के अंदर काम करते हैं, हमारे यहाँ स्पार्को का बड़े बड़े अंकल्स को भी नहीं पता होता, एजुकेटेड पर्सन को इतना नहीं पता होता, क्यों, क्या वजूहत हैं, लैक ऑफ नॉलेज है या फिर हमारी ग्रूमिंग नहीं है? बात आपने बिल्कुल ठीक है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक बंदे ने सेल्फ ड्राइविंग स्टूडेंट था वो, उसने रोबोट बनाया सिर्फ 30,000 के अंदर, आप खुद चेक करें। उसके बाद उनके स्टूडेंट्स नहीं, 3 स्टूडेंट्स से मिलकर रोवर्स बनाए हैं कि आप मार्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं ना, दे हैव ब्रेन्स, दे हैव पोटेंशियल, बट अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोई हमें बताता नहीं है कि आपने क्या डायरेक्शन सेलेक्ट करनी है। इनफैक्ट मैंने एक और न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि अब इंडिया के अंदर सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स नहीं सेलेक्ट कर सकते आप, डाइवर्सिटी है, आप जो सब्जेक्ट करना चाहें आप कर सकते हो। तो देखिए जहाँ पर डाइवर्सिटी आपको नज़र आ रही है पाकिस्तान में, क्या है, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बिजनेस भी ना करो, बिजनेस में भी सपोर्ट नहीं करते हैं, बस डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर। तो आप खुद सोचें कि हमारे पेरेंट्स की मिस्टेक है ये सारे की सारी, वो हमारे दिमाग में ये चीज़ें डालते हैं कि आप डॉक्टर इंजीनियर बनना है, वो हमें ये नहीं कहते हैं कि ट्राई समथिंग न्यू, कुछ नया करो, कोई बात नहीं, फेल हो जाओगे, एक स्टेप फर्दर लेना। हमारे स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ें, 3.9 CGPA आएगा तो आगे जाओगे, 2.5 वाले को कोई नहीं पूछेगा, आज 2.5 वाला अच्छा बिजनेस मैन है एंड 3.9 वाला शादी करके बैठा हुआ है। क्या लगता है कि आपसी ताल्लुकात की बेहतरी लाजिम है या नहीं? लाजिम है, बहुत ज़रूरी है। देखें हम दुश्मनी नहीं कर सकते किसी के साथ, आज का दौर है ही नहीं दुश्मनी का, आज का दौर ये है कि ठीक है आप दोस्ती करो हर किसी के साथ अपने मफाद के लिए, अपने मफाद को आप पूरा करो। इंडिया के साथ हम बहुत मफाद अपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे हुक्मरान नहीं चाहते, अवाम चाहती है। आप मैचेस में देख लें जाके, अवाम अच्छी खासी एक दूसरे के साथ चिल होती है, हुक्मरान फिर कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं कि हम फिर अच्छा ये भी बात ऐसी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। जितना बेहतर हम लोग जाएंगे आगे उतनी हमारी, हमारे लिए अच्छा है, पाकिस्तान के लिए अच्छा है। पाकिस्तान अब जिन हालातों से गुजर रहा है देख के सिर्फ शर्मिंदगी होती है कि आने वाला फ्यूचर और आने वाली नस्ल क्या सीखने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। पहले मैं ये बताता हूँ कि इंडिया अपने हिसाब से वो जो हमें जो है ऑनलाइन करने की कोशिश करता रहता है, हमें पूरी दुनिया में ये वावेला मचाता रहता है। हालांकि सबसे ज्यादा जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान में इंडिया ने किया है, उसकी कुलभूषण यादव जो है जो सबसे बड़ी मिसाल है, बहुत से टेररिस्ट पाकिस्तान ने पकड़े हुए हैं। हाँ ये बात है कि पाकिस्तान के जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं ये तो वो उनका जो असल मकसद है वो शायद ये है ही नहीं, अपने असल मामलात हैं जो फॉरेन मिनिस्टर का काम है उन्हें वो करना चाहिए, अभी फिलहाल वो नहीं कर रहे, उन्हें ये चीजें दुनिया को बतानी चाहिए, इसमें वो बिल्कुल बहुत पीछे रह गए। अच्छा। ये चीज उनके लैग कर रहे हैं और इस चीज में वो बहुत। सर आपसे मेरा अगला सवाल ये होगा कि मुझे ये बताइएगा कि अगर ये सारी सिचुएशन है तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो है हम लोग इस चीज को कॉप अप कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि ये अगर सारी सिचुएशन इसी तरह से रही और पाकिस्तान और इंडिया क्या कभी एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सकेंगे? क्या हम लोग एक दूसरे के साथ हैंड शेक नहीं कर सकते? जी बिल्कुल, हम हैंड शेक कर सकते हैं, हमें तो इतना मसला नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो इन दोनों के दरमियान है वो सिर्फ कश्मीर का है। जिस दिन कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो जाए हमें कोई मसला नहीं है, हम उनके साथ मिलने के लिए तैयार हैं, हम उनसे आगे बात भी, बात तो हम अभी भी करना चाहते हैं, इंडिया भागा हुआ है ना हमसे, हम तो अभी भी बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान की तरफ से कभी भी बात के दरवाजे बंद नहीं हुए, हमने कभी नहीं कहा कि हम बात नहीं करेंगे, हम तो हमेशा बात करते हैं, इंडिया भागा हुआ है, कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो जाए तो हम अभी भी कर सकते हैं। सर अभी रिसेंटली UN के अंदर इंडिया के काउंसिलर की तरफ से ये कहा गया कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख इंडिया के इनएविटेबल पार्ट्स हैं, ना जुदा होने वाले पार्ट्स हैं, और इसको अब UN के अंदर मजीद घसीटना बंद कर दिया जाए। इसके ऊपर बहुत सारे तबसरे ये हुए कि पाकिस्तान के पास जब कुछ नहीं होता तो पाकिस्तान कश्मीर की जाकर बात करता है, आपके ख्याल में क्या? लेकिन आपने बोला वहां नहीं जाना चाहिए, अगर जाएंगे गद्दारी करेंगे, गद्दारी एक करेंगे। तो बड़ा सवाल ये है, उसकी तरफ बाद में आता हूं कि भाई क्या वो भी मिलना चाहते हैं या नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन आपकी बात की तरफ आते हैं कि वो इशू हल कैसे होगा अगर जाएंगे नहीं? सर इनको दो टॉक, जिस तरह खान साहब ने कहा था, जिस तरह खान साहब का नजरिया था उस नजरिए पे चलना चाहिए, स्टेल नजरिया था खान साहब के होते हुए तो वहां पे जो पहले कश्मीर, ये जो वो आर्टिकल उन्होंने लगाया था कश्मीर की मुख्तारी खत्म करने के लिए, ये उसको मुख्तारी बहाल करनी चाहिए कश्मीर की। कैसे बेहतर कैसे होगा कश्मीर का? आपने बोला जाना नहीं चाहिए, ये अकवाम मुत्तहदा, ये सारे जो हमारे बाहर के आलमी ताकतें हैं, ठीक है, इंडिया वाले अकवामे मुत्तहदा यूनाइटेड नेशंस को नहीं मानते, वो नहीं मानते, इन सबको चाहिए, यही तो गद्दारी कर रहे हैं, इनको पाकिस्तान को अपना स्टेल मौकफ रखना चाहिए। सर मेरा सवाल आप समझ नहीं रहे कि कैसे हाल होगा, आपने बोला वहाँ ना जाए, टेबल टॉक ना करें, ये एक लैदा मैटर है, इंडिया वो, देखो क्या जंग बराबरी की सतह पे होता है, टेबल पे बैठ के बराबरी, इंडिया पाकिस्तानी टीमों को नहीं जाने देता, हमारे खिलाड़ियों को वीजा नहीं इशू करता इंडिया जाने के लिए, हमारे प्लेयरों को
तो हमारा वजीर खारजा जा रहा है, हमारे यहाँ हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन है वो कहते हैं हम वहाँ पे भेजेंगे नहीं, आप कहते हैं वीजे नहीं इशू करता। सर नहीं करते, हमारे कई ऐसे टूर्नामेंट हैं, कई कई ऐसे स्पोर्ट्स के इश्यूज हैं, ये नहीं करने देते, इंडिया वाले नहीं अलाउ करते। सवाल ये है जिस तरीके से इस टाइम इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, आपको पता है आइडिया है कि नहीं, ये बात मानते हैं कि नहीं कि वो ग्रो कर रहा है, इकॉनमी उनकी बेहतर है? बहुत बहुत बेहतर है, ठीक है। जैसे वो ग्रो कर रहा है ये आपने शुक्र है माना, तो क्या उन्हें जरूरत है हमारे से बात करने की इस टाइम? सर हमारे से नहीं उनको जरूरत, मगर ये 10 महीने में हमारी बर्बादी हो गई है। बर्बादी इसलिए तो कह रहा हूँ, ट्रेड बंद हुई, ये जो माफिया के लोग ऊपर आके बैठे हैं, ये जो ऊपर माशाल्लाह हमारे जनरल साहब थे, सबको बर्बाद कर दिया, गरीबों को बर्बाद कर दिया, यानी हमारे अपनों ने बर्बाद किया। इंडिया पे क्यों इल्जाम लगा देते हैं? मगर ये सर वो जिस तरह खान साहब कहते हैं मीर जाफर और मीर सादिक, ठीक हो गया, ये पाकिस्तान के ये मुखलस नहीं है, ये इसका मतलब हाँ हम मुखलस नहीं है, हमारे बड़े मुखलस नहीं है, पाकिस्तान के जो करता धरता है। अगर बिलावल साहब नहीं जाते, नहीं जाना चाहिए, नहीं आपकी अपनी ओपिनियन आप दे रहे हैं, नहीं जाना चाहिए, मैंने वही बार बार बोल रहा हूँ, वो भी पता नहीं बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे, वो एक लहदा मैटर है, लेकिन अगर नहीं जाते तो कश्मीर का कोई मतलब कोई फायदा होगा ना? सर स्टेल मौका रखना चाहिए, कश्मीर हमारी पहली प्रायोरिटी पे होना चाहिए। हल क्या है उसका? कि सिर्फ ये नारा लगा देंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारा मगर हल जो बाहर की हमारी ताकतें हैं, अक्वामे मुत्तहिदा है, बाहर के जो ममालिक हैं, उन सबको इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है, तो पाकिस्तान के मौके की तहरीक करनी चाहिए। अगर वो कहते हैं कि भाई आप आपस में बैठ के जो इशू है हल करो, तो फिर हम क्या करेंगे आपस में? अगर यूनाइटेड नेशन ये कहती है भाई हमारा ये मैटर नहीं है, सर अकवामे मुत्तहिदा कितने अरसे से करदादें चल रही है पाकिस्तान कश्मीर की, क्या चाहते हैं वही रेजोल्यूशन? सर वो लोग हमारे हक में मुखलस नहीं है, तो कौन मुखलस है? यही तो लोग हम खुद मुखलिस नहीं, यूनाइटेड नेशन मुखलिस नहीं, हम इंडिया को छोड़ दें, हम छोड़ दें, कश्मीर को भी छोड़ दें, कश्मीर को नहीं छोड़ सकते, इंडिया को छोड़ दें, तो कैसे इंडिया के साथ ही? तो सर देखो ना, बराबरी की सतह पे होगा ये, बराबरी की सतह पे ऐसे नहीं भाई, बराबरी की सतह पे कैसे होगा? मेरी आप बात नहीं समझ पा रहा, बैठेंगे, देखें मेरी और आपकी लड़ाई है, लेट्स सपोज मैं बैठूंगा आपसे बात करूंगा तो ही मसला हल होगा या नहीं, या मैं कहूंगा मैं आपसे बात नहीं करूंगा और बराबरी की सतह मतलब? देखिए हम पाकिस्तानियों ने इस 10 महीने में 1 साल में कमजोर कर दिया है, हमारा जो खारजी है खारजी सतह पे कमजोर कर दिया है। अच्छा, बिलावल की वो सूझबूझ नहीं है जो सीनियर मोस्ट की होनी चाहिए, इससे मैं एग्री करता हूं कि उनका उतना एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा हाँ। ये बताएं, आपने बोला बराबरी की सतह पे रिलेशन होने चाहिए, बराबरी की सतह पे ही होना चाहिए, इस टाइम इंडिया की और पाकिस्तान की बराबरी बन रही है जैसे वो इतनी तेजी इकोनॉमी के हवाले से? इंडिया माम से बहुत आगे चला गया, तो फिर कैसे हम बराबरी में आए? रूस से तेल लेना था तो वो कितना आगे चला गया, वो आपने मेषत को मजबूत करके आगे भेज के मजबूत करके हम वहाँ के वहाँ हमारा गरीब पिसल रहा है, मर रहा है, दल दल पे आ गए, हम लोग दल दल पे आ गए, कल हम लोग खुशहाल थे, हम गरीब खुशहाल था, आज पाकिस्तानी गरीब पिसल रहा है। अच्छा अभी चाइना की अगर बात करें, इंडिया की बात करें, बहुत लोगों को मैं समझाने के लिए कहता हूँ, उनका भी जगह का इशू है ना लद्दाख के मामले पे, उनकी आपस में जंग रहती है, नाराजगी रहती है, वो तो आपस में ट्रेड कर रहे हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर हो, उनके डिफेंस मिनिस्टर हो, इंडिया आते हैं, इंडिया से वहाँ पे जो उनसे डेलीगेशन जाते हैं, हम क्यों ये सोच रखते हैं कि हम इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे रिलेशन, उससे क्या नुकसान है, हमें क्या फायदा है, उससे क्या नुकसान? आरजी है कि जो खान साहब की पॉलिसी थी ना कि हम दोस्ती साहब से चाहते हैं, जो खान साहब का मौका था हम दोस्ती साहब से चाहते हैं, दुश्मनी की यानी कि जो हमारे लिए है, जो हमारे लिए बेहतर है हम वो करेंगे, अगर ये होना भी ऐसे चाहिए, होने भी ऐसे चाहिए, मिसाल तौर पे खान साहब कह रहा था कि ट्रेड बंद होनी चाहिए थी, नहीं काफी लगता है उन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही कि जिस तरह से मुसलमान जो है इंडिया में मुसलमानों की काफ़ी बड़ी तादाद जो है ईद पर भी उन्होंने ईद नमाज़ पढ़ी और अब भी इंडिया में मुसलमानों को उनके राइट्स दिए जा रहे हैं, पाकिस्तानी जो हैं वो भी इसी चीज़ पे बात उठाते हैं कि जी मुसलमानों को इंडिया में राइट्स दिए जा रहे हैं। देखें सबसे पहली बात तो हम जो कहते थे ना कि जम्मू कश्मीर पर इतने मज़ाइम उठाए जा रहे हैं, ये किया जा रहा है वो किया जा रहा है, उनके घर तबाह किए जा रहे हैं, देखिए वहाँ पर स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं, उसके अलावा वहाँ पर मेट्रो ट्रेन जो हैं वो बनाई जा रही हैं, वहाँ पर टनल्स इतने अच्छे बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट्स की जा रही हैं और मुसलमानों को उनके राइट्स भी दिए जा रहे हैं, और इंडिया में मुसलमान जो है कश्मीरियों के लिए उन्होंने अलग फंड जो है वो रखा हुआ है कि इतनी जो मिलियन इतनी जो है वो उन्हें दिया जाएगा। और हम दूसरी साइड पर देखते हैं ना कि इंडिया में जो गुजरात में ये लोग कहते हैं जी बहुत ज़्यादा गुजरात का कसाई कहा जाता है जी जो उधर नरेंद्र मोदी साहब को, तो ये जो चीज़ है ना ये सिर्फ इनके एक प्रोपोगंडा है। देखें पाकिस्तान में हम लोग कोई भी बात होती है ना इंडिया पर डाल के तो प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं कि जी
उधर यहाँ पे इस चीज़ का जुल्म किया जा रहा है, इस चीज़ पर जुल्म है, वहाँ पे हमारी मस्जिदें शहीद की जा रही हैं। वहाँ पर इंडिया में आपने भी काफ़ी ज़्यादा लोगों से बात की और आपको भी पता है कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। मेरी भी पर्सनली काफ़ी ऐसे मैंने पाकिस्तान में इधर ऐसे हिंदू देखे हैं जो बताते हैं कि वहाँ पर हम मुसलमानों के साथ ऐसे रहते हैं जैसे हमारे भाई हों, अपने जैसे सगे भाई हों हमारे। तो हम यहाँ पे क्यों ऐसे करते हैं कि जी एक प्रोपोगंडा, सिर्फ हमें व्यूज चाहिए होते हैं तो हम इस पे ये आवाज़ उठाना स्टार्ट कर देते हैं कि इंडिया में मुसलमानों पे बहुत तशद्दुद किया जा रहा है, इंडिया में मुसलमानों के ऊपर उनके गालियाँ निकाली जाती हैं, उनके गले काटे जाते हैं, ये सारा सिर्फ एक प्रोपोगंडा है इनका। क्या मेंटेलिटी चेंज होगी पाकिस्तानियों की जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि भाई 75 सालों से यही सुनते आ रहे हैं हम? क्या मौलाना झूठ बोले, क्या दूसरे इंडियंस झूठ बोले, क्या इंडियन मुस्लिम झूठ बोले, क्या कश्मीरी मुस्लिम झूठ बोले, क्या सब झूठ बोले इंडिया के अंदर, क्या पाकिस्तानी सिर्फ सच्चे हैं? अनम, जिस तरह से आप कह रही है ना, लगता भला क्या है कि पाकिस्तानी जो है ना सिर्फ वही दुनिया में सच्चे रह गए, बाकी पूरी दुनिया झूठी है, इंडिया पूरा झूठा है, वहाँ पे जो मुसलमान है वो भी झूठ है पाकिस्तानियों के। अब ये भी आप मेंटेलिटी देखें, जो बंदा सोच भी नहीं सकता, वो कहते हैं जी उन्होंने उनके सर पर गन रखी होती है तो वो सिर्फ ये वीडियोज में ये कह रहे होते हैं कि जी हम पे कोई जुल्म नहीं किया जाता। यार यहाँ तक आप लोग इतना नेगेटिव सोच सकते हो, इतना गिर सकते हो, बंदा सोच भी नहीं सकता। वहाँ पर लोगों को देखें, मुसलमान जो है उन्हें इतने राइट्स दिए जा रहे हैं, मुसलमान लड़कियां जो है वो वहाँ पर पायलट्स हैं, उसके अलावा वहाँ पर डॉक्टर्स हैं, इतने ज़्यादा काम कर रहे हैं मुसलमान लड़कियां, लड़के, बिल्कुल बच्चे जो हैं वो इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं। फिर हम ये क्यों कहते हैं कि इंडिया में देखें अगर हम राइट्स की बात करें तो वो तो थर्ड जनरेशन जो है, मतलब कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनको इतने राइट्स दे रहे हैं, पाकिस्तान में हम क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान में हमारे यहाँ पर जिनको ख्वाजा सरा कहा जाता है, जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, उनका लड़के जो हैं, लड़कियाँ भी यहाँ तक के मजाक उड़ा के उनके साथ हूटिंग करके उनको छेड़छाड़ के डांस करवा के पैसे 10-20 दे के तो आगे भेज देते हैं हम लोग। ये हमारी मेंटालिटी है, इतने हम लोग जाखिल हैं कि हमारे मुल्क में किसी को उनके राइट्स नहीं दिए जाते, ना उनके लिए स्कूल्स हैं, ना यूनिवर्सिटीज़, ना कॉलेजेस जो बनाए गए हैं एक दो, उनमें भी वो अगर जाते हैं तो वहाँ पर उनका मजाक उड़ाया जाता है और वो लोग कहते हैं कि हम घर पर ही अच्छे हैं, हम लोग और कुछ नहीं कर सकते। कईयों के जो माँ बाप हैं वो सपोर्ट नहीं करते। तो जिस तरह से इन्होंने इंडिया के जो मौलाना साहब हैं उन्होंने बात बहुत अच्छी की है, अब ये हमारी अपनी मेंटालिटी है कि हम उनके ऊपर यकीन करें या ना करें, हम खुद जैसे है ना हमें दूसरा भी वैसा ही लगता है। हमारा मसला एक सिर्फ बन गया हुआ है कि हमने इंडिया के बारे में ना एक अपने दिमाग में ये सोच लिया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि हमने इंडिया से जंग लड़नी है और हमने जीतना है। हमें जंग अगर लड़नी है तो फिर हमें अपनी इकॉनमी की जंग लड़नी चाहिए ना, हमें इकॉनमी की वॉर जो है वो जीतनी चाहिए। वो फिफ्थ बड़ी इकॉनमी है, आगे थर्ड कमिंग सून है, तो हमें भी फिर कोई 10 पर तो हम भी आ जाएं, अल्लाह करे कोई हम 50 पर ही आ जाएं, 100 में भी नहीं। हाँ 100 में भी नहीं लगता है कि ये दोस्ती लाजिम है या नहीं है। देखें इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती मुझे लगता है बहुत लाजिम है। वहाँ की अगर यूथ की बात की जाए और पाकिस्तान की, तो ये लोग एक दूसरे के साथ इतना नहीं नेगेटिव सोचते, बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अगर हम सिखों की भी बात करें, वो भी यहाँ पर आते हैं तो मुसलमानों को इस तरह से गले लगा कर, मुसलमान भी आगे से उनको बहुत अच्छी तरह से वेलकम करते हैं। ये हमारे जो ऊपर के लेवल के हैं ना, अपर लेवल के जो हमारे वज़ीर आज़म हो गए, वज़ीर आला, और हमारे बाकी जो लोग बैठे हुए हैं पॉलिटिशियंस, बस उन्होंने ये काम किया हुआ है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा कभी दोस्त नहीं बन सकता। हालांकि नरेंद्र मोदी साहब ने इतनी दफ़ा पाकिस्तानियों को, शहबाज शरीफ साहब को 2 दफ़ा वो मीटिंग के लिए भी बुला चुके हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आगे से क्या किया, ना की। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि यार वो हमारे साथ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाते, जब हम इस लायक नहीं है तो अगले हमारे साथ क्यों दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा लगा हानी, और बहुत फैक्ट्स पे आपने बात की, थैंक यू सो मच। रिलेशनशिप करते हैं तो हो सकता है कहीं डिफेंस का बजट कम करना पड़ जाए, शायद आपके लिए वो फायदेमंद नहीं है, वो चीज आपको वो रास नहीं आएगी, इसीलिए शायद आप चाहते नहीं है, वरना नेशनल इंटरेस्ट है आपका भारत के साथ अटैच, और बल्कि हर उस मुल्क के साथ आपका नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है जिसके साथ आपका बॉर्डर है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर इमरान खान साहब ने अमेरिका को भी तो एक लेटर लिखा है, मुझे डॉलर्स याद आया कि उन्होंने इकोनॉमी के ऊपर एक लेटर लिखा है कि उसका रिवाइवल वो कैसे करेंगे, वो प्लान उन्होंने अमेरिका को लिखा है ये बताया जा रहा है। नहीं, लेटर उनका किसने रिसीव करना है यहाँ पे, उनका इस वक्त अमेरिका तो खुद एक बिल्कुल एक गुमनाम साहब इस वक्त, ये देखे ना उनको तो खुद नहीं पता चल रहा कहाँ जाना है। अमेरिका के हालात भी पाकिस्तान जैसे मिलते जुलते, यहाँ भी इनको कोई पता नहीं है कि क्या हो रहा है। हाँ ये जरूर हो रहा है इस वक्त कि आप अमेरिका को, जो मैंने देखा है पिछले दिनों मेरी एक बड़ी अच्छी डिस्कशन किसी के साथ हुई थी कि अमेरिकन भी थोड़े जो डिप्लोमेटिक लेवल तक वो भी दे आर वॉचिंग यू, क्योंकि उन्हें पता है कि पॉपुलैरिटी जो जनरल मैसेज के अंदर है वो इमरान खान की है, लेकिन अगर देखा जाए तो वॉशिंगटन डीसी के जो इस वक्त फीलिंग्स है, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो आर्टिकल आया था वो दे आर कीपिंग दैट इन देयर माइंड एज वेल कि ही इज रेकलेस।
ही इज नॉन ट्रस्टवर्दी, और दूसरा सबसे बड़ा जो इस वक्त वॉशिंगटन डीसी वरी है कि रेडिकलिज्म, हाथ में तस्बी है, पार्टी भी खुल के करनी है लेकिन साथ अमर बिन मारूफ का नारा भी लगाना है, ये उनके लिए सबसे ज्यादा सोचना है क्या ये क्या किस साइड पे जा रहे हैं। तो ये लेकिन इस वक्त आरजू पाकिस्तान के हालात ये है, मैं रोजाना डेली बेस पे जब उठता हूँ और जजों के ग्रुप और उसके बाद मैं आपके सियासतदानों के बयानात, इमेच्योर स्पीचेस देखता हूं, तो लगता है कि आपकी तबाही जो है वो लिखी जा चुकी है, क्योंकि इन सारे इस शोर के अंदर सारा जो मजमा है लूटर्स का आपका, चाहे को एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे जजेस हैं, चाहे सियासतदान हैं, जो कुछ भी, ये इस मजमे में से पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, इस सारे मजमे में से किसी के पास इकॉनमी ठीक करने का कोई हल नहीं, इस सारे मजमे में से किसी के पास किसी की यह सोच नहीं है कि पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ाना किस तरह है। गाने जरूर बना लेते हैं कि दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाएंगे, अपने बच्चे तो पढ़ा लो, अपने बच्चे तो सारे आंखों से अंधे हो चुके हैं, अपने बच्चे सारे तो भाई ट्वीट पे बैठे हैं सिर्फ। ये मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, ये तो उनका अब कहना है ना, इससे पहले कह दें तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान बना था तब उन्होंने ये कह दिया था कि कश्मीर हमारी शहरग है, ये इशू अब का नहीं है, ये कायदे आजम ने जब कह दिया था कश्मीर हमारी शहरग है तो इससे बड़ी बात तो है ही कोई नहीं। हाँ, अभी ये जो हमारी ये गवर्नमेंट है ये अपनी तरह से ये पाकिस्तान इसमें वाकई लैग किया है, हम लोगों ने सही तरह से हम कर नहीं पाए, हमें जिस तरह से उनकी मदद, ये हम किस तरह से मदद कर रहे हैं, सफारती मदद क्या हम कर रहे हैं कश्मीरियों की मदद, कुछ भी नहीं, सब हम कुछ बात करते हैं उसके बाद भी हम पीछे रह जाते हैं। ठीक है, अच्छा सर अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ फॉरेन पॉलिसी की और फॉरेन मिनिस्टर्स की, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं तो वो लोग बहुत ज्यादा जो है अपने फॉरेन मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते भी नजर आए हैं, उनकी तरफ से जो है उनको एडमायर भी किया जाता है, और इंटरनेशनली वो जाकर जब बात करते हैं तो वो इंडिया के स्टैंड को जस्टिफाई भी करते हैं। अगर हम लोग इसी के साथ अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में करते हैं तो एज ए फॉरेन मिनिस्टर आप उनकी परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं? जी, मैं उनकी फॉरेन मिनिस्टर वो कम और एज ए टूरिस्ट ज्यादा नजर आते हैं, क्योंकि अभी जब से वो फॉरेन मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान में वो रहे नहीं है। इसके अलावा उन्होंने वो कंट्री विजिट कर लिया है जो इसका अभी तक हम लोगों ने नाम भी नहीं सुना था, वो एज ए विजिटर है जो फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। यहाँ पे इस हुकूमत का तो फॉरेन मिनिस्टर कोई नहीं है, इन लोगों की इससे पीछे आप देख लें, ये अभी आप एक और भी चीज देख लें, फलस्तीन का इशू हुआ ये तभी बात नहीं कर सके, किसने बात किया, हमारी तरफ से कोई बात ही नहीं कर सका। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत लैग कर रही है, हम बहुत पीछे हैं इस मामले में, ये लोग सिर्फ अपनी दुश्मनियां निकाल रहे हैं, इसके अलावा इन लोगों से फॉरेन जो पॉलिसीज हैं ये तो खत्म हो चुकी हैं। असल में फॉरेन पॉलिसी ये होती है कि हम लोगों ने अपने मुल्क के बारे में बताना है, हम क्या सोचते हैं, हमारे लोग क्या सोचते हैं, हमने करना। जिस तरह खान साहब रूस से तेल ले रहा था, गंदम ले रहा था, गरीब के लिए सानियां पैदा कर रहा था, नहीं लेना चाहता था, लेना चाहता था, इन्होंने लेने नहीं दिया, इन्होंने माफिया ने आगे खत्म कर दिया उसको, ठीक हो गया। अच्छा आप ये बताएं कश्मीर का इशू आप कैसे हल करेंगे, मुझे ये बताएं, आपने बोला बिलावल साहब नहीं जाएंगे, फिर कैसे हल? सर इनको नहीं जाना चाहिए, हम नहीं जाए ना जाए, लेकिन हल कैसे होगा मुझे वो भी तो बताएं, दुनिया देखे सर, हमारी फौज भी ये अंदर से सारे मुखलस नहीं है हमारे लिए। ठीक है, हल क्या है कश्मीर का, हल क्या? कश्मीर का हल अकवाम मतदाता की करदादों के मुताबिक जो आलमी ताकतें हैं, जो आलमी ताकतें हैं वो इस चीज को सॉल्व करें। एक मिनट जरा, वो इस चीज को सॉल्व करें। एक मिनट अंकल से बात करते हैं, अंकल एक मिनट का बस ये बता दे हल क्या है। कहते हैं अकवाम मतदाता की करदादों के मुताबिक, वो तो चल रहा है 70-75 साल से चल रहा है, आपके ताकत है तो आप ले लें, उस तरह नहीं देंगे, वो नहीं 75 साल से हम यूनाइटेड नेशन, आप बताएं हल भाई, हल टेबल है। मैं देखे ना एग्री करता हूँ इस बात से, जो मेरा और आपकी लड़ाई है, हम टेबल पे सिर्फ टेबल बैठेंगे तो ये हल निकलेगा, वरना नहीं, वरना तो हम पहले भी मार रहे हैं, वो भी मार रहे हैं, हम भी मार रहे हैं, लेकिन हल टेबल है, एग्री करते हैं? हाँ जी बिल्कुल एग्री। आप ये कहते हैं बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं उधर इंडिया जा रहे हैं बातचीत करने भाई की मीटिंग के लिए, ये कहते हैं नहीं जा रहे, वो टेबल पे बैठते हैं तो ये बिलावल साहब टेबल पे बैठे हैं, अगर वो टेबल पे नहीं बैठते तो वो वापस आ जाए, बात का आना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अगर ये उन्होंने दावत दी है लेकिन जाना चाहिए, एससीओ की मीटिंग है, एससीओ की मीटिंग, अगर ये टेबल पे बैठ के मुजाकरात करते हैं तो ठीक है, वरना नहीं तो आप वापसी क्वालिटी बेस्ड। हाँ जी ठीक हो गया, देखे ना इनकी बात तो समझ आती है, बिल्कुल टेबल पे बैठे क्यों ना बैठे, अब आप बताएं जाना चाहिए जाना, पर इस साल में नहीं जाना चाहिए।
सर बिलावल को इंडिया में नहीं जाना चाहिए, हम इसी के फेवर नहीं करेंगे। अभी देखें आके टेबल पे बैठे, किसी और जगह पे बैठे। अच्छा 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 अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बात करें लेकिन किसी और जगह पे बैठे। बिलावल इंडिया जाएगा, ये पाकिस्तान की दुबई आ जाए, दुबई चले जाए, किसी और मुल्क में बैठ जाए, नहीं आएगा इंडिया को क्या जरूरत है, वो नहीं आएगा। मसला तो हमारा है, उनका तो नहीं, वो तो नहीं छोड़ेगा कभी हमारे प्लेयरों को। ये अंकल ने लॉजिकल बात की है, यकीन मान प्लेट में कभी नहीं देंगे, कभी प्लेट में नहीं देंगे। भट्टो साहब इतने बड़े लीडर थे, वो भी क्या कर सके, नहीं 70 साल में किसी ने क्या किया। आर्टिकल 3 इंदिरा गांधी ने उन्हीं से मनवाया कि आप लड़ाई से नहीं, ये टेबल पे बात करेंगे, इस पे बात हो सकती है, लड़ाई से नहीं हो सकती। बताएं इकॉनमी उनकी मजबूत है, फोर्स उनकी इस टाइम पावर में है, तो हम जंग के साथ ये इस तरीके से कोई हल निकाल सकते हैं? नहीं नहीं ऐसा, नुकसान किसका होगा, जंग हमारा होगा सर। और 4 जंगें हुई या किसका नुकसान हुआ, जंग तो ज्यादा नुकसान किसका हुआ, पाकिस्तान का हुआ। देखिए ये चीजें हमें समझ जरूरत है, हमें जज्बात में आके कोई भी बात कर देंगे, हम बात कर देंगे, हमारा ही नुकसान है, इंडिया वालों का कोई नुकसान क्या कहेंगे? मुखलस फैसले करने चाहिए, हमारे हुक्मरान मुखलस फैसले नहीं करते, जो हमारे ऊपर करता धरता है ये मुखलस नहीं है पाकिस्तान के लिए, ये अपने मुफाद में फैसले करते हैं। जैसे नवाज शरीफ था, वो उनसे अपनी तजारत करता था, हमारी हुई ना, हमारे हुक्मरान, ये हमारे माफिया का सर सिस्टम ठीक हो गया। अगर हमारा हुक्मरान मुखलस हो तो हमारा हमारा निजाम चले, निजाम बेहतर हो। आपको लगता है कि हमारे रिलेशन इंडिया से बेहतर होने चाहिए या नहीं? होने चाहिए, हो सकते हैं बराबरी की सतह पे, ये तो मैं भी कहता हूँ इक्वालिटी बेस पे, लेकिन ये देखें पहले अपने आप को उसके इक्वल तो कर ले, ये तो बड़ा हम वो कह लेते हैं इकोनॉमिकली उसके इक्वल तो। सर हमारे माफिया ने अपने आप को मजबूत कर लिया, पाकिस्तान को कमजोर कर दिया। क्या अंकल जी इक्वल नहीं है इंडिया से, वो बहुत इकॉनमी उनकी किधर है हमारी किधर है, ऐसे ही है। खैर फिर भी अच्छा लगा, जो आपकी ओपिनियन है मैं आपका पूरा राइट है, आप अपनी ओपिनियन दें, मैं एग्री करूं डिसएग्री करूं, कोई एग्री करे डिसएग्री करे। अजानें स्टार्ट हुई हैं, अजान का थोड़ा वक्फा लेते हैं, उसके बाद किसी और से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, भाई थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? रफीला मिन हाउस एडवोकेट। आपका एडवोकेट? आपका नाम? इश्तियाक जावेद। और आपका? मोहम्मद सुहेल एडवोकेट। ठीक है सर, जिस टॉपिक पे मैम हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, खबर है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एससीओ की मीटिंग के लिए इंडिया जा रहे हैं, और यहाँ के जो डिप्लोमेट हैं पाकिस्तान से अब्दुल बासित साहब, उन्होंने ये बोला है कि इंडिया जो है वो डेस्परेट है, बेताबी से मिलना चाह रहा है हमारे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से। पहले तो ये बताएं क्या इंडिया बेताबी से मिलना चाह रहा होगा हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ? देखें पिछले दिनों सुनने में आया था कि इंडिया ने वो वाला प्रोटोकॉल जो चाहिए होता है फॉरेन मिनिस्टर को, उससे तो उन्होंने माजरत की है। और ये भी आई थी कि उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से या वहाँ की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि हम बायलैटरल बातचीत नहीं करेंगे। ये बताएं जब से ये खासतौर पे पूंछ अटैक हुआ कुछ दिन पहले, ये बताएं जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? देखिए सबसे पहले ये है कि अगर वो बायलैटरल डायलॉग नहीं करते तो सीधी सी बात है, आप इंडिविजुअल या एक फ़र्द के ऊपर अगर इसको अप्लाई करें कि एक बंदा आपको वो वाली रिस्पेक्ट नहीं देता तो आप क्या करते हैं? हर 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 किसी की रिस्पेक्ट उसके अपने हाथ में होती है। इसी तरह से ये जो डेजिग्नेशन है जो मिनिस्टर्स की और कोई भी इस तरह के ओहदे हैं जिनके पास, उनकी पर्सनल रिस्पेक्ट का मामला नहीं रहता, वो पूरे मुल्क की इज्जत पूरी कौम की इज्जत का मामला होता है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि कश्मीर का इशू बायलैटरल बातचीत के अलावा हल हो सकता है? और सेकंडली क्या हमें ये नहीं देखने की जरूरत कि वो किस वजह से हमें उस तरीके से प्रोटोकॉल नहीं दे रहे, उनके दिल में क्या गिला है, क्या गुस्सा है, क्या नाराजगी है? हम अगर हमारी तरफ से कुछ गलती है तो हम उसे दूर करें, बजाय ये कि अगर वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, यानी रिस्पेक्ट इस सेंस में प्रोटोकॉल नहीं दे रहे तो हम भी नहीं जाएंगे, क्या हमें मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं करनी चाहिए? रिलेशन स्टार्ट कैसे होंगे बेहतर कर? बाकी बहुत सारी चीज़ों की तरह रिस्पेक्ट भी आपको अर्न करना पड़ती है, मुफ्त में कोई कुछ नहीं मिलता, आप डिजर्व करेंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, और जब आपको अगर कहीं रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो आपको भी नहीं इस तरह का कोई काम करना चाहिए, इक्वल बेसिस पे ही ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा अगर यही बात है तो क्या हमारे अमेरिका के साथ जो रिलेशन है वो इक्वालिटी बेस? देखिए हमारे, मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ भी इक्वालिटी बेस पे हैं, हो नहीं सकते, क्योंकि हम एक ऐसा मुल्क हैं जो कर्जा लेके उधार लेके पैसे हम चल रहे हैं, और इसी चीज़ को खान साहब भी इसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, और इस चीज़ की ये कोई खाली बात नहीं है, सिर्फ ये एक नफ्सियाती पहलू है और इसके बड़े कंक्रीट इसका इम्पैक्ट आता है। देखें जब आप
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ चलते हैं, तो ये चीज़ पूरे बाकी मामलात के ऊपर इसका असर होता है, कि कारोबार के ऊपर होता है, आपके जो रिलेशंस हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात हैं उनके ऊपर होता है। और ये बहुत ज़रूरी है अगर आप इक्वालिटी बेसिस के अगर आप इस मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके ताल्लुकात के ऊपर एक मुस्बत असर पड़ता होगा। देखें इस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया साजिद तार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सर। सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंच रहे हैं, 48 आवर्स रह गए हैं भारत, उनके साथ खैर एक मीडिया टीम भी कुछ गई है, और क्या देख रहे हैं आपके, क्या सबसे पहले हम उन्हीं पे बात करते हैं कि क्या बात होगी आगे, और या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि मीटिंग अटेंड करेंगे और वापस आ जाएंगे। देखिए उनके जो दौरे के बारे में तो खुद ही कई चीजें यहाँ बता चुके हैं, और मेरे ख्याल में ये एक बेजरर सा फायदा ट्रिप है, एक सिर्फ फोटो आप है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दो चार उसके मैं फैक्टर आपको बताना चाहूंगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने एक बड़ी शायद यही इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी है, जिसकी वजह से ऑफकोर्स उसी गाइडलाइन के अंदर उन्होंने फरमाया था, उन्होंने कहा था कि मैं कोई बायलैटरल टॉक या रिलेशनशिप के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ एससीओ की मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूं। अब उस मीटिंग में आप ये बताएं कि एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, क्या ऑफर कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता, लेने के लिए कोशिश करेंगे, देने के लिए तो कुछ नहीं उनके पास। अब उसमें दूसरा, आप जब भी आपके कोई डेलीगेशन बाहर जाता है उसकी इज्जत इस बेस पे होती है कि पाकिस्तान के अंदर हालात क्या है, उनका पाकिस्तान में क्या मैंडेट है, अवाम की सपोर्ट कितनी हासिल है। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं, इन हालात में अगर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो साहब को लोग वहां किस तरह रिसीव करेंगे, रिसीव इस तरह करेंगे कि वापसी तक हो सकता है पता नहीं इनकी गवर्नमेंट भी रहेगी या नहीं रहेगी, हालात तो यही चल रहे हैं। सुबह हर सुबह सुप्रीम कोर्ट लगती है तो लगता है शाम तक सारा कुछ फारग कर देंगे, हर सुबह उठते हैं लोगों को कोई पता नहीं होता कि हमने किधर जाना है, मुल्क कौन चला रहा है, क्या खाने को मिलेगा, क्या पहनने को मिलेगा। तो हाँ, इन हालात में बिलावल भुट्टो साहब या वो डेलीगेशन क्या ऑफर कर सकता है दुनिया को, ना सिर्फ ऐसी हो दुनिया को। मेरे ख्याल में मेरी जो अपनी एक राय थी